हमीरपुर जिले में नगर परिषद और नगर पंचायत में भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा ने योग्य प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और इन चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी जीत का परचम लहराएंगे। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को पीछे छोड़कर भाजपा के प्रत्याशी बाजी मारेंगे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के सभी वार्डों की घोषणा कर दी है और भाजपा ने चुनावों के लिए पूरी तैयारी की है। इस अवसर पर जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और अटल जी को याद किया। चुनावों में पार्टी में हो रही बगावत पर जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने पार्टी ने अपने स्तर पर उम्मीदवारों की घोषणा की है और जो पार्टी से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरेगा उस पर कार्रवाई के लिए पार्टी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि हाईकमान के ध्यान में ऐसी बातों को लाया जाएगा और हाईकमान के निर्देशों पर ही कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने कहा कि पार्टी से एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़े और जीते, इसके लिए पार्टी काम करेगी। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार आज घोषित किए हैं, चाहे जिला परिषद के अंदर किए, चाहे नगर परिषद के अंदर किए, चाहे नगर पंचायत के अंदर किए हैं, उस पर हमारा एक ही व्यक्ति लड़ेगा। कोई अपनी मनमर्जी से करता है ठीक नहीं है, उसमें हाईकमान के ध्यान में बात लाएंगे। कोई ऐसा कोई लड़ता है और क्या हाईकमान निर्देश करती है, क्या वो एक्शन लेती है, वो बातें उनके ध्यान में लाएंगे हम लोग। ऐसा कोई लड़ता है, पर वैसे तो हर जगह लोगों ने अप्लाई किया, कार्यकर्ता अभी तो लोगों ने नॉमिनेशन करना है, तो कई ज़्यादा भी करते हैं, कई वहाँ बैठाएंगे, और ताकि एक ही कार्यकर्ता चुनाव लड़े और हम जीते, ताकि इलाके का ज़्यादा विकास हम लोग कर पाए। जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि यूं तो ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जा रहे हैं, लेकिन पार्टी चाहेगी कि जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक समिति अध्यक्ष पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार काबिज हों, इसलिए पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। वहीं पार्टी के अंदर समर्थित उम्मीदवारों के नाम पर हो रहे विरोध पर बलदेव शर्मा ने कहा कि अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची है और शिकायत आती है तो इस पर मंथन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा भी मौजूद रहे। नहीं, पंचायतों में इतना नहीं होता है, वैसे तो हर बार पार्टी चाहती है और जिला से ये घोषणा होती थी, क्योंकि जिला परिषद का जो चुनाव होता है वो उसमें कल को चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनने हैं, तो संगठन की कोशिश रहती है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन पार्टी का बने, अच्छे लोग बने। उसी तरह नगर पंचायत में, नगर परिषद में भी बनता है, तो पार्टी के सिंबल पर तो चुनाव नहीं लड़े जा रहे, पर पार्टी समर्थक उम्मीदवार की तो घोषणा पार्टी हर बार करती है, और इस तरह ब्लॉक लेकर बीडीसी मेंबर का भी करती है, पर वो वहाँ कई दो तीन लोग होते हैं तो नहीं करती है। जहाँ सिंगल होता है उसका समर्थन बीजेपी के लोग करते हैं, ताकि ब्लॉक में चेयरमैन पार्टी का बने, ताकि अच्छा काम करे। और आप, मैं तो धन्यवाद करता हूँ जहाँ आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने देश के लिए अंदर अच्छा काम किया। आपने देखा हैदराबाद में चुनाव हुए, अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा। जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई, 35 हटाई, वहाँ पे जहाँ मोदी जी ने अच्छा काम उस क्षेत्र का भी अपने जम्मू कश्मीर का किया, वहाँ पे प्रभारी हमारे भाई आदरणीय अपने अनुराग ठाकुर जी, जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, वो प्रभारी लगाए और बिना डेढ़ महीना रात दिन मेहनत की उन्होंने, और सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर उभर के आई है। सबसे ज़्यादा वोट भी भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। तो जो मोदी जी ने 370 की धारा 35 को हटाया है, उसको उनके लोगों ने मोर लगाई है और इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है वहाँ पर। उसमें अनुराग जी के भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ मेहनत कर किए हैं उन्होंने, उनको भी बहुत श्रेय जाता है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। वो तो अब लोकल इशू है और मंडल का संगठन, मेरे अभी ध्यान में कोई ऐसी बात आई नहीं है, आएगी तो उसके बारे में चिंतन करें, क्या बात करेंगे।